Music gives a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and life to everything by Plato. He's proud of me. Yes, teacher is proud of you. Yeah, I need a box. No. Everything sounds proud, not proud of the sea. Yes. Our teacher is under the sea. Yes, because Ambi is a good girl and brushing teeth, but she is not brushing her teeth. Because teacher's angry me. Because teacher's angry this year. No. And teacher's happy me. Ambi, can you help me? Oh, good idea. I help you. Yes. गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकमिंग बैक टू एम दिशा फैमिली। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा। सो मेरी मॉर्निंग की शुरुआत अभी हो रही है जैसे कि आप देख सकते हैं, और मॉर्निंग के लिए थोड़ा ब्रेकफास्ट और चाय बनाया जा रहा है। सो आई होप यू विल एंजॉय दिस ब्लॉग विद अस। Good girl. Can you hot it, mommy? It's spicy. Only daddy, mama like spicy. Okay. But daddy, mama don't like spicy. He like daddy doing like this. Why daddy? Okay, have your food now. Then you take a full bite. Okay. Big and put your... Yes. That's good. So, आज बहुत दिनों के बाद सोचा कि चलो बाहर आके थोड़ा चाय पे पीते हैं, बिकॉज इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम और बहुत ठंड भी चल रही थी। तो 10:30 बजे आप बाहर भी नहीं आ सकते हैं विदाउट योर जैकेट्स। सो अभी जैसे स्प्रिंग सीजन आने वाली है एंड डे लाइट सेविंग इज़ गोइंग टू ऑन फ्रॉम March 14, सो अभी दिन बहुत ही बड़ा हो जाएगा एंड यू कैन गेट द ब्राइटेस्ट डे। और सो इट्स अ वेरी गुड डे टू हैव अ कप ऑफ टी, seeing the greeneries, beauties. So अच्छा लगता है थोड़ा बाहर आके फ्रेश एयर लेके चाय पीने का मज़ा कुछ और ही होता है। Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. How was so high. I like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle.
Tishli, don't drink it. Hello friends, you could see this crowd color is very messy and it's turned to black color. So we two are going to clean it, and after that you could see how it's going to be look. So let's start doing this. घर का काम कुछ भी होता है तो हम दोनों मिलके करते हैं साफ़ सफाई, और हम दोनों को बहुत ही अच्छा लगता है. और वो सैटरडे हो या संडे, इस दोनों डे में से कोई भी डे, अगर सैटरडे हम नहीं कर पाए तो संडे ऑफ कोर्स करते हैं. बट वी हैव दैट इन वीकेंड वी हैव टू क्लीन आवर होम. सो ये बहुत दिनों से सोच रहे थे कि ये जो एक्चुअली हम नया घर को आना एक साल से ऊपर हो गया है. सो यू कैन सी दैट ग्राउंड कलर इज़ बिकमिंग सो डार्क बिकॉज ऑफ आई थिंक हम जब पोछा लगाते हैं द वॉटर रिमेन्स एंड द कलर चेंजेस. सो ड्यू टू दैट इट वॉज नॉट लुकिंग सो गुड. सो इसलिए सोच रहे थे कब ये स्टार्ट करेंगे, क्लीन करेंगे. सो फाइनली वी आर डूइंग दिस. और क्लीन होने के बाद आप देखेंगे बहुत ही अच्छा लग रहा है, जैसे कि नया घर जब हम पहले आए थे उस पूरा तो उसी तरह नहीं, बट हाँ 80% तो वैसा ही दिख रहा था करने के बाद. सो बहुत ही मन को बहुत ही अच्छा लगा. सो यू कुड सी नाउ. एक्चुअली ये बहुत ही बड़ा टास्क था क्योंकि हमें पूरा होल लिविंग एरिया, किचन, ये सब कुछ करना था. सो इट गो इट टेक्स टाइम. सो यू कुड सी द कलर हैज़ बीन द ब्लैक कलर इन द क्राउड इज रिमूव नाउ. इट्स लुकिंग वाइट. ओके, हु इज बाबा? नो, दैट्स डैडी. बाबा इज नहीं हो. दिस इज द गिटार सेंटर. और हम यहाँ आए हैं हमारा जो गिटार हमने ऑर्डर किया था उसे लेने के लिए. एंड आई हैव सम फ्यू वीडियोज इनसाइड इट. सो आप देख के ज़रूर देख के बताइएगा कि आपको कैसा लगा. बहुत ही अच्छा था. You could see so many types of guitars are there. और बहुत ही different colors की थी. एक छोटा सा था, बहुत cute सा था, purple color का. It was $29. I think that's minimum price, I guess. और ऐसा आप देखेंगे तो बहुत ही $300-$400 का भी guitar है. सो आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा. Guitar center. Mommy.
ये रहा हमारा डिनर। सो आज फ्राइड चिकन बन रही है पहली बार, दैट्स इन एयर फ्रायर। और चिकन में बस सॉल्ट और पेपर मैरिनेट हुआ था, और ये इसमें एग, टमेटो सॉस एंड क्रीम। एंड ये विंग्स में हमने 350 डिग्री सेंटीग्रेड रखा था, एंड इन 20 टू 25 मिनट्स में ये हो जाएगा। सो उसके बाद यहाँ पे हमने फ्लावर ली, जो मैदा है उसमें ऐड किया है ब्लैक पेपर एंड ब्रेड क्रम्स, और अगर आप चाहते हैं कॉर्नफ्लावर ऐड करना, यू कैन ऐड इट। सो उसके बाद आप ये बस सिंगल कोटेड में हमने रखा है, बट यू कैन हैव द डबल कोटेड वन। सो बस उसमें थोड़ा ऑयल आप स्प्रे करके रख देंगे 20 to 25 मिनट्स, एंड इट विल बी डन। तो अभी 10 बज गए हैं, एंड टुडे डे वाज स्पेशल बिकॉज हम गिटार लाए, एंड वी डोंट नो एक्चुअली हाउ टू प्ले इट। तो जो भी करेंगे वो स्क्रैच से ही स्टार्ट करेंगे, बट या टू हैव एन इंस्ट्रूमेंट इन योर होम इज़ रियली सो गुड, बिकॉज जिनको भी इंस्ट्रूमेंट आता होगा, जो भी, आई थिंक दे आर मोस्ट लकीस्ट, बिकॉज जब भी आप खुश होते हो या सैड होते हो या फिर कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो, यू कैन हैव दैट इंस्ट्रूमेंट एंड यू कुड डू एनीथिंग ऑफ दैट, या फिर गाना गुनगुना सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो आई थिंक एवरीवन शुड लर्न एटलीस्ट अ स्मॉल इंस्ट्रूमेंट, जो कि मुझे बिल्कुल ही नहीं आता है, ना तो अमित को आता है, एंड ही ऑलवेज वॉन्टेड टू लर्न instrument, but he never got that chance. So finally he thought to bring a guitar and to start learning, because there is no age to start learning, whenever you want you can. So मैं कभी सोची नहीं थी कि I will start learning, ऐसा कुछ नहीं था, but I am very fond of singing, मुझे गाना गाना अच्छा लगता है और सुनना अच्छा लगता है, and he is a very I never thought he will be that, but yeah, after getting married to him, then I knew certain things which I was ignore about that, and that he is very fond of music, and not that bas Bollywood ka ho ya kuch ka, ऐसा कुछ नहीं, उन्हें हर सॉन्ग्स अच्छी लगते हैं सुनना, देर आर लॉट्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ हिम, एंड मोस्टली ही लाइक्स टू सिंग द पंजाबी सॉन्ग्स, एंड ही ऑल्सो डूज लाइक टू सिंग द तमिल एंड तेलुगु सॉन्ग्स टू, जो कि मैंने कभी
तब मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना था, मैं बस बॉलीवुड का जो भी पुराना या फिर नया गाना होता है, स्पेशली आई लव टू लिसन द ओल्ड हिंदी म्यूजिक. आई थिंक दैट इट हैव सम मीनिंग इन द सॉन्ग्स एंड यू कैन रिलेट इट व्हेन यू सिंग द सॉन्ग. अच्छा लगता है सुनने में. एंड या सो ये सब कुछ मुझे जानने को मिला दैट he is mostly into the music. I think unke dost ya unke family mein I think they don't know what really he likes to do when he is free. वो अगर आप 24 hours भी song लगा देते हैं वो सुनते ही जाएंगे. He never get bored about that listening music. But yeah, I get sometimes really bored after listening the music for a long time. But he never do that. So yeah. So ऐसा कुछ है तो बहुत ही excited है. So let's see what we will learn through this guitar. And I hope you have enjoyed this vlog with us. And अगर आप मेरी channel में नए हैं then please do subscribe to our channel and Disha family. अगर आप मुझे Instagram में follow करना चाहते हैं then please go and check dibbi.dishadas. And it's on the link in the description box. You can go and check there. क्योंकि वहाँ पे मैं कुछ कुछ update देती हूँ. और आज का ब्लॉग अगर आपको पसंद आया हो then don't forget to give me a thumbs up. और जरूर comment section में बताइएगा कि आज का ब्लॉग आपके लिए कैसा था. And शायद आप कुछ मेरे से relate कर सकते हैं. So please share your views. So I'll be waiting to see you in the comment section. तो चलिए आज के ब्लॉग में यहीं पे ख़त्म करती हूँ. अगर अच्छा लगे तो ज़रूर मुझे बताइएगा. And stay tuned with me for more coming videos with me. So see you then soon. Love you. Bye. Take care. Have a good night.